हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक डीआईवाई वीडियो लेके आई हूँ। तो ये डीआईवाई वीडियो एक साइड टेबल कम स्टोरेज बॉक्स है, जो मैंने एकदम वेस्ट मटेरियल से बनाया है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने एक पुराना कार्डबोर्ड बॉक्स लिया है। तो इसके मैंने जो ऊपर की साइड में फ्लैप होते हैं, इनको हमें कट कर लेना है। तो इसको आप पेपर कटर या किसी नाइफ़ की हेल्प से कट कर लीजिए। इस तरीके से देखिए, मैंने कट कर लिया है, और जिससे ऊपर का सरफेस क्लीन हो जाएगा इसका। और फिर हम क्या करेंगे, कुछ कार्डबोर्ड के पीस लेंगे और इन कार्डबोर्ड के पीस से हम एक लेयर जैसी बना लेंगे, एक कार्डबोर्ड के ऊपर दूसरा कार्डबोर्ड लगाकर, जिसको हम यूज़ करेंगे कार्डबोर्ड बॉक्स के अंदर की साइड में, जो उसकी वॉल बनेगी। ये देखिए, मैंने कई इस तरीके से ये लेयर जैसी तैयार कर ली हैं। और इसको हम अब फेविकॉल लेंगे, फेविकॉल की हेल्प से इन लेयर को अंदर की साइड में ऐसे फिक्स करेंगे। तो अच्छे से फेविकॉल इस पर लगा लेना है। तो ये मैंने फर्नीचर में जो यूज़ होता है फेविकॉल, वो यूज़ किया है। और देखिए, सबसे पहले ये नीचे के हिस्से में लगाएंगे, और फिर साइड में इसके चारों तरफ हम इसको इन लेयर को लगा देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये चारों तरफ मैंने ये लेयर लगा ली है। अब हम मास्किंग टेप लेंगे, और मास्किंग टेप की हेल्प से इसको हम इस तरीके से स्टक कर देंगे, जिससे ये और थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास मास्किंग टेप ना हो, तो आप न्यूज़पेपर के छोटे छोटे पीस काट के भी ऐसे चिपका सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब इसके स्टैंड या आप टेबल के पाए कह लीजिए, इसको बनाने के लिए मैंने ये फॉइल पेपर जिस रोल पे आता है वो रोल लिया है, और उसके मैंने ये चार पीस कट कर लिए हैं एक ही साइज़ के, और इसको हम लगाएंगे ग्लू गन की हेल्प से। तो फ्रेंड्स, मैंने ये पीओपी पाउडर लिया है, इसका हम पतला सा एक पेस्ट बनाएंगे। और जो ये मैंने रोल के पीसेस चिपकाए हैं पैर टेबल के पाए बनाने के लिए, तो इनके अंदर हम इसको फिल कर देंगे। देखिए, ऐसे स्पून की हेल्प से मैंने इसमें फिल कर दिए, जिससे ये थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग हो जाए, जिससे ये जल्दी से निकलेंगे नहीं। और इसी तरीके से ये उसका डो जैसा बना लेंगे पीओपी पाउडर का, और ऐसे रोल बना के, देखिए इस तरीके से मैंने रोल बना लिया। और इस रोल को इन जो लेग्स बनाए हैं मैंने टेबल के, इनके चारों तरफ ऐसे लगा देंगे। और जब ये सूख जाएगा अच्छे से, तब हम इसके ऊपर कलर कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, कलर करने से इसका लुक और अच्छा हो जाएगा, पता नहीं चलेगा कि हमने क्या चीज़ यूज़ करी है। तो इस तरीके से कलर कर लेंगे इस पर। तो फ्रेंड्स, देखिए ये हमारा टेबल का स्ट्रक्चर लगभग रेडी हो गया है। अब इसका टॉप बनाने के लिए मैंने ये प्लाई का एक पीस लिया है, तो ये मेरे पास पड़ा हुआ था पुराना। तो इसकी हालत देखिए आप कितनी ख़राब हो रखी है। तो इसकी हालत सही करने के लिए, और इसमें होल हो रखे हैं या कहीं पे ख़राब हो रखी है, तो इसको कवर करने के लिए मैंने ये वॉल पुट्टी ली है। तो ये वॉल पुट्टी हम लोगों के घर जब कलर होते हैं तो उसमें यूज़ होती है, तो ईज़िली मिल जाती है। तो उससे हम इसके जो होल हैं या जहाँ पे भी प्लाई का पीस ख़राब हो रखा है, उसको हम कवर कर देंगे। देखिए इस तरीके से मैंने इसमें होल हुआ था, तो उसमें मैंने ये फिल कर दिया है। और इसी तरीके से हम चारों तरफ इसमें लगा देंगे, जिससे इस प्लाई का सरफेस एकदम स्मूथ हो जाएगा, और इसका लुक एकदम चेंज हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से चारों तरफ हम इसको कवर कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये पुट्टी लगा हुआ प्लाई का पीस हमारा एकदम रेडी हो गया है। इसको एक दिन लगता है ड्राई होने में, तो जब ये अच्छी से ड्राई हो जाए, तब हम इसके ऊपर कोई भी कलर अप्लाई करेंगे। तो मैंने ये ब्लैक एनेमल पेंट लिया है, आप चाहें कोई भी कलर इस पर कर सकते हैं। और ये जब कलर हो जाएगा, तो बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि ये इतना पुराना प्लाई का पीस है।
वाह फ्रेंड्स, हम अपने कार्डबोर्ड का जो बॉक्स है उसको कवर करने के लिए ये मैंने वॉलपेपर लिया है। तो ये इस वॉलपेपर, ये स्टिक हो जाता है आराम से, तो स्टिकर वाला वॉलपेपर है ये। तो इस तरीके से हम इसको चारों तरफ से कवर कर लेंगे अपने कार्डबोर्ड बॉक्स को। तो फ्रेंड्स, ये वॉलपेपर हमारा बाहर की साइड में लगकर बिल्कुल रेडी हो गया है। तो बाहर की तरफ हमने लगा लिया, अब अंदर की साइड में भी हम इस वॉलपेपर से कार्डबोर्ड बॉक्स को कवर कर लेंगे। तो ये बहुत लगाने में बहुत इजी होता है और इजीली अवेलेबल भी होता है, ये ऑनलाइन काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। देखिए इस तरीके से मैंने ये कवर कर दिया है पूरा कार्डबोर्ड बॉक्स, नीचे की साइड में भी मैंने लगा दिया है। तो बिल्कुल पुराना कार्डबोर्ड बॉक्स का कहीं से भी ये पता नहीं चल रहा है। तो फ्रेंड्स, ये प्लाई का पीस है जो मैंने कलर किया था, तो एकदम ये प्लेन लग रहा है। तो इसमें मैंने थोड़ा सा सोचा कुछ डिज़ाइन बना दूं, तो इस तरीके से ये मैंने वाइट कलर से छोटे छोटे फूल इस पे बनाए हैं। तो आप चाहें तो कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं इस पे, या फिर प्लेन रखना चाहें तो प्लेन भी रख सकते हैं। तो लेकिन देखने में ये बहुत सुंदर लगेगा अगर इस तरीके से कुछ भी छोटा सा हल्का फुल्का कुछ डिज़ाइन इस पे बना दी जाएगी। तो फ्रेंड्स देखिए, देखने में कितना सुंदर लग रहा है और बिल्कुल पता नहीं चल रहा है कि ये पुराना प्लाई का पीस है। तो जब इसके कलर एकदम ड्राई हो जाएंगे तब हम इसके ऊपर प्राइमर अप्लाई करेंगे। तो प्राइमर लगाने से क्या होगा, जो हमारे कलर हैं अगर पानी वगैरह गिरेगा तो वो ख़राब नहीं होंगे, और इसके अलावा आप आराम से इसको गीले कपड़े से पोंछ सकते हैं, तो डस्टिंग करने में भी एकदम आसानी रहेगी। तो बस पूरे सरफेस पे लगा देंगे और ये देखिए फाइनल लुक हमारी टेबल का ये ऐसा आ रहा है। तो देखने में कितनी सुंदर लग रही है, देखिए बेड के साइड में मैंने इसको रखा हुआ है। और इस टेबल को फ्रेंड्स मैं एक स्टोरेज बॉक्स की तरह भी यूज़ करूँगी। तो देखिए इसमें कितना स्पेस है, आराम से कुछ भी सामान आप इसमें रख सकते हैं। तो मैंने इसमें ये मेडिकल से रिलेटेड जितने इक्विपमेंट हैं वो मैंने इसमें सारे रखे हैं, वेपोराइज़र है और हीटिंग पैड और जो रैंडमली हम लोग मेडिसिन यूज़ करते हैं वो सब मैंने रखा है। आप चाहें तो इसमें कुछ भी सामान रख के इसको यूज़ कर सकते हैं। और देखिए देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है, ये इसका फाइनल लुक बन के तैयार हुआ है। तो बिल्कुल नहीं लग रहा है कि ये एकदम वेस्ट मटेरियल से, पुराने कार्डबोर्ड और पुराने प्लाई के पीस से ये मैंने बनाया है। तो आपको अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। तो फिर मिलते हैं एक बहुत अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।